हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी मूवीज़ या फिर सीरीज़ को आप किस तरह से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको चार वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है और वो बहुत ही अच्छा ऐप है। उस ऐप से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां से आप देख भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम खोल लीजिए। यहां पे क्रोम खोलने के बाद सबसे पहले आपको मूवीज फ्लिक्स लिखना है, MO। मूवीज फ्लिक्स लिख के आप सर्च मार दीजिए। सर्च मारने के बाद आपको फर्स्ट में वेबसाइट मिलेगा, उसको टाइप कीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे मूवीज़ और सीरीज़ यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप किसी भी मूवीज़ को देख भी सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 346 मूवीज़ और सीरीज़ इस वेबसाइट पर हैं और इस वेबसाइट से आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा वेबसाइट है मूवीज़ वर्स। आप सर्च बॉक्स में सर्च करिए और वहाँ पे टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आपको पहला वेबसाइट जो दिखेगा उसमें आप क्लिक करिए। आप इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मूवीज़ को देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा मूवीज़ और सीरीज़ है, आप यहाँ से भी मूवीज़ और सीरीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी बेस्ट वेबसाइट्स हैं मूवीज़ को डाउनलोड करने के लिए और देखने के लिए। तीसरा वेबसाइट है madmovie.in। टाइप करिए और उसको सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट जो मिलेगा आप उसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सभी मूवीज़ आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तीसरा वेबसाइट है kdramamaja.com। इसको सर्च करिए। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोरियन ड्रामास, चाइनीज़ ड्रामास आपको हिंदी में मिलेंगे और ये वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट है जो कि आपको पूरी तरह से हिंदी में प्रोवाइड करता है और स्पेशली जो भी कोरियन ड्रामा आता है उस कोरियन ड्रामा को ये वेबसाइट हिंदी में अपलोड करता है और चाइनीज़ ड्रामा को भी ये हिंदी में अपलोड करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा चाइनीज़ और कोरियन ड्रामा है। तो इस तरह से आप चार वेबसाइट से मूवीज़ को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।